का। वहाँ मालती मासी को भी साल मुबारक कहना। और माँ इंदु मासी, भारती मासी, उषा मासी, ललिता मासी सबको साल मुबारक कहना। माँ को जरा साल मुबारक बोल दो ना। बोलो ना अभी अंदर। अरे अब बोलो माँ, पूरी बोल को मेरी तरफ से साल मुबारक बोल दो। चल फोन रखती हूँ। तुम्हारी माँ को तो साल मुबारक बोला, लेकिन तुम्हें साल मुबारक नहीं बोला। साल मुबारक, साल मुबारक। ये लो। एक मिनट। ओहो, ये लो। थैंक यू। सदा सुहागन रहो, इसी तरह खुश रहो और सबको खुश रखो। जरूर। टप्पू के पापा, आज नए साल के दिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका और मेरा 7 जन्मों तक साथ रहे। नहीं भाई नहीं, 7 जन्मों तक मुझे तेरा साथ नहीं चाहिए। मत दीजिए। टप्पू के पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ, 7 जन्मों तक मुझे तेरा साथ नहीं चाहिए। मुझे तो जन्मों जन्म तक तेरा साथ चाहिए। दया, अगले जन्म में अगर तू मैना बनेगी तो मैं तेरा तोता बनूंगा, अगर तू मोरनी बनेगी तो मैं तेरा मोरला बनूंगा, अगर तू बकरी बनेगी तो मैं तेरा बकरा बनूंगा। मम्मी पापा, बेटा, पापा, साल मुबारक। साल मुबारक बेटा, साल मुबारक। जीवतो रे, खुश रे, सुखी रे बेटा। ये लो। थैंक यू पापा। मम्मी साल मुबारक। साल मुबारक बेटा, और अपने सुंदर मामा की तरह होशियार बनो। दया, आज नए साल के दिन आशीर्वाद देने होते हैं, ये क्या बोल रही है तू? ऐसा बोल के बापूजी की तरह होशियार बने। टप्पू, अरे टप्पूड़ा। जी दादाजी। अरे टप्पूड़ा तू यहाँ है, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। दादाजी साल मुबारक। साल मुबारक दिख रहा, जीवतो रे। ये ले। बापू जी, साल मुबारक। हाँ साल मुबारक, साल मुबारक। भगवान तुम तीनों को हमेशा तन मन धन से सुखी रखे। ये ले। ये लो बहू। थैंक यू। चाचा जी नमस्ते। अरे पोपटलाल। साल मुबारक। साल मुबारक भाई, साल मुबारक है। ये ले। ओहो क्या बात है। टप्पू बेटा साल मुबारक। साल मुबारक पोपट अंकल। ओहो खुश रहो, खुश रहो। ये लो। थैंक यू। दया भाभी साल मुबारक। साल मुबारक भाई। जेठालाल साल मुबारक। साल मुबारक भाई, साल मुबारक। साल मुबारक। अरे अरे जेठालाल, मेरे पैर क्यों छू रहे हो? अरे भाई तुम मुझसे बड़े हो ना। किसने कहा? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो शादी का उम्र से क्या लेना देना? जेठालाल, किसी ने कहा है ना कि जब तक शादी नहीं होती तब तक इंसान शादीशुदा लोगों से तो छोटा ही माना जाता है। ले। पोपट भाई बैठिए। वो मीठा कीजिए, कीजिए, कीजिए मिठाई लीजिए। अरे वाह। ये बस, ये बस। पोपट अंकल। ये क्या है? ओहो ये तो भूल ही गया भाई, ये नए साल की गिफ्ट है खास चाचा जी आपके लिए। हा? मेरे लिए? अरे वाह, क्या है क्या इसमें? अरे आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। ओह वाह वाह वाह, ये तो सोमनाथ महादेव मंदिर का फोटो है। अरे शिवलिंग का भी फोटो है। जय सोमनाथ। देखो बापूजी। हाँ वाह, जय सोमनाथ दादा। पोपटलाल तू सोमनाथ गया था? हाँ हाँ चाचा जी। वो क्या है कि हमारे सौराष्ट्र के पत्रकार मित्रों ने मिलकर
परम पूज्य संत श्री मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन किया था। ओहो, मुझे भी आमंत्रण मिला था तो मैं भी गया था, तो वहां से मैंने आप लोगों के लिए ये तस्वीर खरीदी थी। जल्दी जल्दी में मैं वही भूल गया था, तो कल मेरे पत्रकार मित्र दीपक भाई कक्कड़ और यशपाल भाई बख्शी मुंबई आए तो वो अपने साथ इसे लेकर आए। अरे वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सोमनाथ मंदिर के सामने खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। दादाजी, नए साल की शुरुआत एकदम अच्छी तरह से हुई, नहीं? हाँ टपुड़ा, अब तो रोज घर बैठे सोमनाथ दादा के दर्शन होंगे। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। अरे यार, इन औरतों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है, हम सब आ गए और ये अभी तक नहीं आई है। सही बात है। अरे भाई, अय्यर भाई भी औरतों से कम नहीं है, हम सब आ गए लेकिन वो अभी तक तैयार होकर नहीं आए। क्या मतलब है पोपड़लाल? अरे अय्यर भाई, साल के पहले दिन क्या गुस्सा कर रहे हो, फिर पूरा साल गुस्सा में ही बीतेगा ये। अरे छोड़ो ना गुस्सा उस्सा अय्यर। अय्यर आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो भाई, तुम्हें कुर्ता बहुत बढ़िया पहना यार। थैंक यू। हाँ कुर्ता बहुत मस्त है, कितने का लिया? 2,500 रुपए का। लगता नहीं 2,500 का। अच्छा तो जेठालाल, तुम्हें ये कुर्ता फिर कितने का लगता है? ये असली भाव बताऊं? हाँ एक मिनट यार भाई, क्या कर रहे तुम ये जेठालाल? अरे हमारे मार्केट में नई विद्या आई है, किसी भी चीज का असली भाव जानने का होता है ना, तो चीज पे ऐसे हाथ रखने का, एक मंत्र बोलने का, तो फटक से वो आंकड़ा आता है दिमाग में, वो उसका असली भाव होता है। एक मिनट, अभी एक 30 सेकंड में मालूम पड़ जाएगा। रेडी रेडी। ओम अय्यर भाई गुरदावरी, सिल्क गुरदावरी, पिंक कलर हो इसका असली भाव जाओ। हाँ भाई समझ गया। ओके वो जी, 500 रुपये के है? क्या? क्या क्या बोल रहे तुम जेठालाल, कुछ भी क्या है तो थोड़ी होता है। अरे आपको यकीन नहीं हो रहा है? एक मिनट देखो, ये मेरी विद्या मैं किसी दूसरे में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, उसको भी आंकड़ा दिख सकता है। एक मिनट, बेड़े हाथ लाओ। हाँ ये पहले कुर्ता देखने का, मैं मंत्र पढ़ूंगा, हाँ उसके बाद एक आंकड़ा दिखेगा तुमको। हाँ ये देखो, ये पहले कुर्ता देख लो। देख लिया? हाँ रेडी। ओम विद्या ट्रांसफर बीड़े, तो आंकड़ा सेम आंकड़ा, असली आंकड़ा दिखा? दिख गया। कितना? 500 रुपया। तेरी कमाल है यार। क्या आत्माराम, तुम्हें कुछ भी बोल दे क्या है? अरे ऐसा पर हमको सब हाथ दो भाई, सब हाथ दो। पहले कुर्ता देखने का, मैं मंत्र पढ़ूंगा, आंख बंद कीजिए, आंकड़ा दिखेगा, वो आंकड़ा बोलिए अय्यर भाई। ठीक है, पहले देख लीजिए कुर्ता। दिखा? कितना? ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम भी क्या ये विद्या क्या करते तुम भी? आपको यकीन नहीं हो रहा? ठीक है चलो, आपको भी आंकड़ा दिखा दो, लाओ हाथ लाओ। मेरे को नहीं देखने का है, मेरे को मालूम है मेरा कुर्ता 500 रुपए का है। ये देखो बोल पड़े। हेलो, 2,500 का कुर्ता था? और यार क्यों बोला 2,500 का कुर्ता है, 500 रुपए भी महंगा ही होता है भाई। आत्माराम मैं मजाक कर रहा था। जेठालाल, क्या सच में ऐसा विद्या होता है? हाँ सच में ऐसी विद्या है। क्या नाम है इस विद्या का? इस विद्या का नाम है स्टिकर विद्या। स्टिकर विद्या? हाँ, जिस चीज का हमको असली भाव जानना होता है ना,
और मंत्र पढ़ने से वो चीज का असली भाव का स्टिकर वो चीज के ऊपर आ जाता है। अभी देखिए आपके कुर्ते के ऊपर ये देखो ये 500 का स्टिकर है देखिए। कितना अच्छा लग रहा था। टप्पू के पापा, आप सब लोग अभी तक यही हो? चलिए दर्शन करने के लिए। ओ सॉरी हम लोग लेट हो गए। सॉरी सर, उल्टा चोर कोतवाल को डाले। चलो 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 हे भगवान, आने वाला साल हम सब लोगों के लिए सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। और आप जी हमारे धंधे पानी पर हमेशा आपकी मेहर रहे और वो बढ़ता ही रहे। ओ सोडी, क्लियर कर दे, धंधा पानी बढ़ता रहे या पार्टी शार्टी? हो कढ़ाई जी, मेरे रोशन का पार्टी शार्टी करना बंद हो जाए और मेरा गोगी मन लगा के पढ़ाई करे और फर्स्ट आए। हे प्रभु, हम सभी के मन को शांति और संतुष्टि देना और सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। ए, फिर तो सबको मेरा डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, फिर जैसे हैं वैसे ठीक है। हे भगवान जी, हमारे देश की महंगाई प्लीज कम हो जाए। हे भगवान, महंगाई की तरह हंस का वजन ना बढ़े। हे मुरली वाले कृष्ण कन्हैया, भोजन मेरा बढ़ता रहे लेकिन मेरा वजन न बढ़े प्रभु। हे देवा, भीड़े के जितने बाल बचे हैं वो बचे रहे। ना जेठालाल, मजाक नहीं। सॉरी सर। हे देवा, मैं मेरे सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं और मेरे सारे विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत बहुत नाम कमाएं। हे भगवान, इस बार अय्यर को प्रमोशन मिल जाए। प्रमोशन हो लेकिन ट्रांसफर ना हो। और मुंबई में ही रहे क्यों भैया? गोकुलधाम में। हे भगवान, इस बार मेरे को चांद पर जाने का मौका मिले। सिर्फ जाने का, वापस आने का नहीं? जेठालाल जाएगा तो वापस आएगा ना, उधर ही थोड़ी रहेगा। मैंने तो पूरा मांगो वरना भगवान को थोड़ी मालूम पड़ेगा कि आपको वापस भी आना है। भगवान, मेरे को चांद पर जाने आने का मौका मिले। हे भगवान, इस साल मुझे सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी, गुणकारी पत्नी मिल जाए ऐसा आशीर्वाद दे दे। ओ भाई पोपटलाल, भगवान से इतनी सारी डिमांड्स मत रखो, कंफ्यूज हो जाएंगे। इस उम्र में तो सिर्फ कन्या मिल जाए वो ही मांगो बहुत है। भगवान, हमारे गोकुलधाम परिवार की एकता हमेशा बनी रहे और अहमदाबाद आना जाना रहे। भगवान प्लीज इसकी सुन लीजिए ताकि सुंदर का यहाँ आना बंद हो जाए और मेरे टैक्सी के पैसे बचते रहे। टप्पू के पापा, आपको कुछ नहीं मांगना है? नहीं, बस वही जो तूने मांगा। भगवान, टप्पू सेना की शरारतें बढ़ती रहे लेकिन हमारी शरारतों से किसी को नुकसान ना पहुंचे। एकदम निर्दोष शरारतें। भगवान, हम सब की मनोकामना पूरी हो और हम सब सुखी रहे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय और नए साल की जय। सबको साल मुबारक। अरे अरे साल मुबारक, साल मुबारक, अंजलि से चुप चुप के खा तो रही इतने पकवान, अब पेट साथ नहीं दे रहा है। साथ भी कैसे देगा, आदत ही करेले की पड़ी हुई है। ये भगवान, किस किस्म की ध्वनियां निकल रही है। तारक, क्या हुआ तारक? अंजलि को बता दूंगा तो जो थोड़ा बहुत ढंग का खाना खाने को मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। कुछ नहीं। टी शर्ट ठीक कर रहा था। दिवाली में मुझसे छुपकर कुछ ज्यादा नाश्ता तो नहीं किया ना, जिसे पेट दर्द हो रहा है? नहीं 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 अंजलि, नहीं नहीं, ऐसा है तो आज का खाना मत खाना। थैंक गॉड। नहीं नहीं, तुम्हारे भात का बना हुआ लंच नहीं करूंगा ये सोच के थोड़ा सा अपसेट हो गया था। खैर ये सब छोड़ो, ये सब गिफ्ट यहाँ क्यों लेके आई हो? हाँ तारक, वो मैं चाहती हूँ कि आप ये सब गिफ्ट खोल के देख लें। क्यों?
ताकि हमें पता चले कि किसने हमें क्या गिफ्ट दिया है और कैसा गिफ्ट दिया है, ताकि जब हमें उन्हें देना हो तो हमें पता चले कि हमें उन्हें क्या देना है। अंजलि, तुम तारक मेहता की पत्नी हो, एक लेखक की पत्नी, तुमसे मैं इस बात की उम्मीद नहीं करता अंजलि। अरे हमें अगर किसी को गिफ्ट देना है तो अपनी मर्जी से देंगे, हमारे मन से देंगे। हम ये तय करके गिफ्ट थोड़ी देंगे कि किसने क्या दिया है। अंजलि, मैं लेखक हूँ, मैं नाप तौल के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, नाप तौल के रिश्ते थोड़ी बनाता हूँ। अरे रिश्ते इस तरह से थोड़ी बनते हैं अंजलि। तारक, ये बात तो आपने शत प्रतिशत सच कही। आई एम सॉरी, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगी, प्रॉमिस। दैट्स गुड गुड गुड। आई नहीं भाई को, क्या कर रहे हैं आप ये? अरे कब से ये कपाट कर 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 रहा था, मैंने स्क्रू टाइट कर दिया। बोलो। अच्छा, मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, मुझे बताइए कब खरीदने जाना है। नया स्कूटर, एक टेबल फैन, चार चादर, एक कुर्सी, एक कारपेट, टीवी, फ्रिज। ओ, ये कहां लिखा मैंने टीवी फ्रिज? नहीं, अभी सब कुछ नया ले रहे तो ये भी नया ले लेते हैं ना। टीवी फ्रिज नया ही है, बाकी सब आपके जमाने का हो गया है, इसलिए नया लेना है, कर लो। माधवी, हमारे जमाने में काश दिमाग का स्क्रू भी टाइट हो सकता। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे दिमाग का स्क्रू टाइट करता। माधवी देखो, माधवी अभी महंगाई का जमाना है, अब जितनी चीजें लो उतनी कम पड़ जाती है, और मेरा तो ये मानना है कि जब तक जो चीज चल रही है उसको चलना चाहिए। तो जरूरी चीजों की लिस्ट दी है मैंने, कहाँ फालतू का खर्चा करवा रही हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, अपने बजट में इसमें से जो आएगा वो हम लोग खरीद लेंगे। हाँ काय जाला? कुछ भी लिखते हैं ये लोग। मेरे राशि भविष्य में लिखा है पति से लाभ होगा मणि। बाय द वे माधवी, तुम्हारे पति से तुम्हें रोज लाभ होता है। घर का काम करता हूँ, स्त्री का काम करता हूँ, अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाता हूँ, ये सब लाभ नहीं है? है। अच्छा मेरे भविष्य में क्या लिखा है जरा पढ़ो। ओहो हो हो। अरे ओहो हो क्या, मैं सुन रहा हूँ क्या लिखा है? अचानक धन लाभ हो सकता है, मौके का फायदा उठाओ, ऐसा लिखा है। ओहो हो, अचानक धन लाभ। अच्छा माधवी, अगर मुझे अचानक धन लाभ होता है तो तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, इस लिस्ट को भूल जाओ, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? एक कार ले लेते हैं मस्त की, पापड़ की डिलीवरी में काम आएगी। ओहो, मतलब कार लेने के बाद भी मैं पापड़ की डिलीवरी करने जाऊं? मां, कार में जाओगे पापड़ की डिलीवरी करने? और एक साथ कितने पापड़ डिलीवर हो सकते हैं जरा सोचिए। टिक्की में पापड़ ही पापड़, पिछले सीट पे भी पापड़, अगले सीट पे भी पापड़ है पापड़। मतलब कितने पापड़ बसा बस। बस 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 माधवी बस। नहीं, पापड़ की डिलीवरी करने के लिए मेरी स्कूटर ही ठीक है। वो आपकी कभी हाँ कभी ना वाली अतरंगी स्कूटर। अतरंगी ना इतर क्या है? आपकी स्कूटर पे शर्त लगा लगा के लोग अमीर बन गए। चालू होगी कि नहीं होगी, इसको तो अतरंगी ही कहेंगे ना। अच्छा तो अभी जो मेहुल सोसाइटी में पापड़ की डिलीवरी करने जाना है, तो मैं अभी जाऊं या कार आने के बाद जाऊं? नहीं नहीं, इसके लिए तो अभी जाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो मुझे उस अतरंगी स्कूटर पे ही जाना पड़ेगा। हाँ तो जाइए। तो जाओ ऑर्डर लेके आओ अतरंगी मणि। नमस्ते बेटे जी, कैसे हैं आप? अरे मिसेस पारेख, आइए आइए बैठिए ना। नहीं नहीं, ये लीजिए बबलू की 4 महीने की फीस। ओह थैंक यू। सॉरी हाँ, देने में थोड़ी देर हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं। और हाँ, ये रेखा भाभी ने अचार पापड़ के पैसे भेजे। ओ एक मिनट, आप माधवी आ रही हूँ। और बबलू की पढ़ाई ठीक चल रही है ना? हाँ उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी। अरे मालती बहन आप आइए ना, आइए बैठिए। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ फीस देने आई थी। और हाँ, रेखा भाभी के अचार पापड़ के पैसे भी दे दिए हैं। अच्छा थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके। अच्छा अनपेक्षित धनला माधवी हो गया। ये रुको रुको। हाँ। मैं डिलीवरी करके आता हूँ।
देखता हूँ अभी आगे और क्या क्या लाभ होता है। हा? चलो। अरे ये स्क्रू ड्राइवर रखो। दर्शक मित्रों, मैं असली तारक मेहता नए साल की दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सीरियल देखते रहो, हंसते रहो। मुझे आनंद है कि आपको सीरियल पसंद है और आप देखते रहते हैं। ये सिलसिला चालू रहेगा। ये मेरे चश्मे के साथ मैं अपनी तरफ से, सब टीवी की तरफ से, अपने सीरियल फैमिली की तरफ से आपको दिवाली मुबारक। नमस्कार मित्रों, विक्रम संवत 2068 का प्रारंभ हो चुका है और इस नए वर्ष के प्रारंभ पे हम आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपको इसी तरह हंसाते रहें और आप दुखों को भूलकर इसी तरह हंसते रहें, यही हमारे ईश्वर से प्रार्थना है। आप सभी को नया साल मुबारक। और यहां गोकुल धाम में हमारे भिड़े का राशिफल ये बता रहा है कि उन्हें धन लाभ होने वाला है, जिसका प्रारंभ भी हो चुका है। जीवन में इंसान कई बार ईश्वर से मन की शांति नहीं चाहता, लेकिन धन लाभ जरूर चाहता है। और जब धन लाभ की बात चले तो वो उसी तरह तड़पने लगता है जैसे पिंजरे में कोई पंछी बंद हो। अब यहां भिड़े पे धन वर्षा होगी कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके घरों में हाथ से वर्षा जरूर होगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।